अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। और जो है अब जो है असाद को देखें, ये 14 अगस्त की तैयारी कर रहे हैं, जश्न आज़ादी आ गई है और झंडा वगैरह लेके आए हैं ये। और मैंने बाइक पे भी अपनी झंडा लगाया है, मैं आपको दिखाता हूँ। और अभी मैं जा रहा हूँ काम से, तो थोड़ी देर में आता हूँ फिर, क्योंकि मुझे काम से जाना है और असाद भी मेरे साथ जा रहे हैं झंडा लेके। पहले मैं आपको बाइक दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये जो है बाइक पर मैंने झंडा लगाया है, साथ में अलग से लिया हुआ है। और देर हो रही है मुझे काफ़ी, मैं भी आता हूँ फिर। हेलो गाइस, आज ये 13 अगस्त और मम्मा की बहुत तबीयत खराब है। मम्मा की दांत में बहुत दर्द हो रहा है और अभी दवाई खा रही हूँ। और मैं ये देखने याद कर रहा था, मेरे पेपर हो रहे हैं ना, इसलिए मैं इतना सारे याद करने को, वो तो शुगर है, ग्रामर में 3 पेज हैं याद करने को ना, मुझे याद नहीं होता। और इतनी मुश्किलों से 3 लाइनों मैंने इतनी मुश्किलों से याद करी है अभी। और पापा भी काम पे जाने ही हैं। मैं जा रहा हूँ नाजमा पर। हाँ, शाम तक आऊँगा। हाँ, क्योंकि कल बारिश हो गई थी, कल जाना था, तो फिर रात को बारिश हो गई थी तेज, तो अब जा रहा हूँ। सही ना, जाके देखते हैं क्या मसला है वहाँ पर। चलो चले चले। हाँ चलो, चलो तुम भी चलो। हाँ, तुम जाओ अपना उठा। सही है, और जो है बाहर बाइक खड़ी है, बाइक ना बाल 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 के मैं जा रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। तो हेलो गाइस, आज मैं बना रही हूँ आलू गोश्त का कोरमा सा बनाऊंगी। जैसे आलू गोश्त हम खाते ही रहते हैं, तो कोरमा बन जैसे कोरमा बनता है इसी तरह बनेगा बस। और उसके अंदर जो है बस आलू डल जाएंगे, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा लगता है, मज़े का। तो इसलिए मैं आज ये बना रही हूँ। तो प्याज में डाल देंगे ब्राउन करने के लिए, ये ब्राउन हो जाएगी तो मैं इसे निकाल लूँगी, उसके बाद मैं गोश्त डाल दूँगी और मसाला भून के उसी में ही आलू डाल दूँगी। अच्छा भाई, प्याज को ना ब्राउन करके मैंने निकाल लिया है और डाल दिया है गोश्त, मसाला भी डाल दिया है सारा, पिसी हुई मिर्चें, हल्दी और पिसा हुआ धनिया भी डाला है और नमक भी डाला है, क्योंकि मैं आलू गोश्त की तरह पका रही हूँ बस, जैसे कोरमा सा बना लेते हैं ना इस तरीके। और पूरा साबुत गर्म मसाला डाला है और गोश्त डाल दिया। अब जब ये भुन जाएगा ना अच्छे तरीके से, तो फिर जब ये थोड़ा गल जाएगा फिर मैं इसमें आलू डाल दूँगी और फिर एंड में जो है दही और ये डाल दूँगी। अच्छा, आज ना ये मैंने ना प्याज को ग्लेंडर करके दही के साथ और डाल दिया है, आलू भी डाल दिए हैं, मसाला जब भुन गया था जब मैंने ये सब डाल दिया है। अब बस आलू गल जाएंगे तो कोरमा जो है हमारा रेडी है, आलू गोश्त की तरह जो हमने बनाया है। और असाद अभी गए थे बाहर, तो उन्होंने लकड़ियाँ जलाई बच्चों के साथ मिल के, और उसमें ना ये आलू रखा था, लेकिन आलू कच्चा रह गया, तो अब कह रहे मम्मा आप पका के दो, तो मैंने रखा है पकाने के लिए, अब ये गल जाएगा तो खाएंगे वो। जी दोस्तों, मैं गया था सुबह से काम पे और अभी आया हूँ, तो असाद कह रहे हैं मुझे 14 अगस्त का यानी कि सूट दिला के लाएँ, तो अभी हम जाएंगे, बस तैयारी कर रहे हैं और जो है ये अपनी पसंद से लाएंगे। मैं कह रहा था मैं लेता हुआ आया था, क्योंकि मैं गया था नाजमाबाद, तो वहीं से रास्ते में जो है पावर हाउस की तरफ काफ़ी जो है स्टॉल लगे हुए थे बच्चों के सूट्स के, तो ये कह रहे नहीं कि मैं अपनी पसंद से लेके आऊँगा, तो अब मैं इन लोगों को लेके जा रहा हूँ वहाँ पे, और जो है ये देखते हैं अपनी पसंद से क्या लेंगे। सही ना, और फिर आपको दिखाते हैं। अच्छा भाई देखें, ये इस तरह के यहाँ पे स्टॉल लगे हुए सब जगह, ये बच्चों के कपड़े लगे हुए, बेबीज भी हैं और बाबा भी हैं। असाद का सूट लेने के लिए आए हम, तो असाद को ये अच्छा लग रहा है, अब देखते हैं, अभी इससे बात करते हैं। दे बहुत महंगे रहेंगे भाई, वहाँ भी लगे हुए सामने, सब जगह लगे हुए। सो गाइस, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आज जो है नाश्ते में है कोरमा है और है सादे पराठे और चाय है, साथ में केक है, केक रस है, बागर खानी है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वो हमने अभी निकाली नहीं है, जब हम चाय पियेंगे तब निकालेंगे, अभी तो हम खाएंगे पराठा और कोरमा। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी 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 इंडिपेंडेंस डे। ये लो भाई, ये लो।
ये देखें भैया साथ जो है वो रेडी हो चुके हैं 14 अगस्त के लिए बिल्कुल। ये फौजी वाला सूट हम रात को शॉपिंग जो करके आए हैं साथ के लिए, इतनी मुश्किलों से मिला ये, हम बहुत ज़्यादा थक के खाते फिरे सब जगह पे, बहुत मुश्किलों से ये हमने सूट लिया है। चलो भैया साथ बाहर जा सही है, आजाद को ना बोलना नहीं आ रहा है, 14 अगस्त मुबारक बोल दो, चलो 14 अगस्त मुबारक चल। दोस्तों असाद तैयार हो चुके हैं और असाद तैयार होकर बाहर जा चुके हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि और क्या कर रहे हैं। और गली में सारे बच्चे जमा हुए हैं बाजा बजा रहे हैं, बच्चे भी सारे मिले हैं साथ में, आगे तक भी गली में पूरी बाजा बजा जी। दोस्तों मैं हो गया हूँ तैयार और हमने अभी प्रोग्राम बनाया है जाने का अपनी सिस्टर के यहाँ, और ये लोग भी तैयार हो चुके हैं यासमीन वगैरह, और मैं भी तैयार कर रहा हूँ देखें, और मैंने भी नए कपड़े पहने हैं साथ में भी। और असाद किधर हो, मैं असाद को दिखाता हूँ आपको, और ये देखें असाद आ गए हैं, ये अब पाकिस्तानी बन गए हैं, और पहले जो सुबह से कमांडो बन के घूम रहे थे है ना, और ये माता पट्टी भी ले गए हैं, बोलने माता पट्टी लगाऊँ दिल दिल पाकिस्तान की। और कहाँ जा रहे हो, अपनी अप्पा के आने की तैयारी, तो यहाँ से ठीक है। अच्छा भैया आ गए हम लोग अपने नंद के यहाँ, और ये जो है उनकी बेटी भी आई हुई है और नवासी भी आई हुई है, तो साथ साहब ने अपना झंडा दे दिया इनको, ये दिल दिल पाकिस्तान गा रही है अपनी आवाज़ में, और क्या वो इनका सूट देख लें कितना प्यारा लग रहा है। हाँ ये देखो देखो तराना गा के सुना रही है हाँ झंडा ले रहा है ना ये रहा ये उसको बता रही है देखा मार मार के मेरा मेरा ए मेरा कौन सा तराना गा रही हो, नहीं अपनी मर्जी से खेल रहा हाँ हाँ क्या बोल रही हो, नहीं भाई का खेलियो का खेलियो भाई ऐसे झंडा ही लागे के लोग अच्छा भाई नंद के घर के यहाँ से आ गए थे हम लोग, तो साथ कहने लगे कि पापा केक ले लेता, तो अब हम आ गए हैं यहाँ बेकरी पे केक लेने के लिए, अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, देखते हैं कि कौन सा केक लेना है हमें। लो कौन सा लोग असाद देखो कौन सा लेना, कौन सा ले जी। दोस्तों और हम घर पे आ गए थे और हम लेके आए हैं यहाँ पे केक, और केक है हमारे यानी ये पाकिस्तान आज़ाद होने की खुशी में, आज पाकिस्तान 75वीं यानी कि 75 वो है अपना जश्न आज़ादी, तो इस सिलसिले में जो है हम ये लेके आए हैं केक, ये देखें। और अभी जो है इसको असाद जो है काटेंगे और फिर हम जो है ये सेलिब्रेट करेंगे जश्न आज़ादी। बेकरी पे मैंने दिखा दिया था आपको कि हम वहाँ से केक लेते हुए आए थे, और अब हम मनाएंगे जश्न आज़ादी, तो ये दोनों काटेंगे केक आपके सामने, केक हमारा ये रहा।